किसान भाइयों, मैं चलते हैं घर से अब घूमने के लिए। 9:30 बज गया घड़ी में, अब मैं निकलता हूँ बाहर की तरफ। भाइयों देखे कितने पिल्ले भौंक गए हैं, दो ये लौट रहे हैं छोटे छोटे, इन्हें रोटी मिलती है चकाई की, इसलिए जाते नहीं कहीं भी। गांव की लोकेशन देखिए भाइयों आप, भाइयों लान का सीजन खत्म हो गया। ये नई मशीन है, अब करी थी उन्होंने दो मशीनें तो कोरी बिल्कुल। राजस्थान की है यही मशीन, कामयाब है आज के जमाने में। दोनों एक शीशे श्री बालाजी की है। तो ये भी शायद श्री बालाजी की है। ये भाई ये नंबर देख लीजिए आप, किसी भाई को चाहिए तो बात कर सकता है। ये भी नई मशीन है बिल्कुल, ये जाला एग्रो की है, जाला एग्रो 9950-26-9926। ये भाई इनके नंबर हैं, जयपुर की बनी हुई है भाइयों, आप मंगा सकते हो, कितने कहती है पूछ सकते हो। सीजन पूरा हुआ, भैया इनकी मेहनत है। बैठा हूँ, क्या दो चल रही मशीन थी आपका? तीन मशीन चलाई थी। भाई ये पानी कल भी करा था, कल ये रह गया था, आज दोबारा करा। ये देखिए भर गया खेत, अब इसमें फिर खुरपी निकलेगी क्योंकि ज्यादा सौखा मान गया था। भाई ये देखो अब तो पूरा भर गया, तालम तालम भर आ गए। ये देखो चारों माह से एक साल बिल्कुल कंप्यूटर प्रेस लगी थी इसमें। भाई ये खेत की खुदाई होगी, पुनीत मंडरा है, खोड़ खोड़ खोदते बीच में कंट्रीब्यूटर निकल जाएगा। भाई ये देखिए धूप और पछवा हवा में फसल लहराती है, निरोगी होती है, काय भी निरोगी होती है, पशु फसल सभी सुख स्वस्थ रहती है, इंसान भी। और भाइयों अगर परवाह चलती है वो बीमारी होती है, फलों में भी कीड़ा आ जा, आड़ू में कीड़ा आ जा, हमें कई बार कीड़े पड़ जाते हैं। तो भाई इसलिए पछवा हवा बहुत जरूरी है शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए। भाइयों कई दिन लगे, खुद गया खेत हमारा, अब इसका थोड़ा खोड़ खोद रहे दोनों जवान हमारे, पुनीत पुनी और बबलू पुण्य मन रहे पावड़ा लियो। भाई हमने बालकों को खेती सिखाई है क्योंकि बचपन से सीख जाए जी, अब मैं ऐसे वर्ष चलाऊँ तो इन्होंने कमान संभाल ली, मुझे चिंता नहीं है कि मेरी जमीन कोई नहीं संभालेगा। भाई ये बाजे बाजा किसान जो है बालकों को कुछ नहीं सिखाता, उसे बढ़ाइया मार कर बिगाड़ देता है, फिर वे गड़बड़ करते हैं, फिर रोता फिरता है। तो भाई ये बच्चे को से प्यार करो, काम भी करो। भाई देखो कितना अच्छा जम रहा,
ये 14-20 था हमारा इधर, वो आदो खोड़ ये भाई, ये बारीक रहता है ज्यादा, लेकिन बड़बार बहुत है खोड़ की भाइयों। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, आज खेत में हमारे लड़कों ने एक पावर वीडर खरीदा है, ना डीजल खाता, ना पेट्रोल, ना बैटरी चलता। बताइए आप कैसा होगा भाई, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है झुट्टा, अभी बताया आपको नितिन बबलू ने मुझे, व्यापारी लेके जाते इन्हें 1,250 घंटे के गाँव में, इसी सैनी में था, ये राजेश सैनी के, उन्हें 2,000-4,000 तो मुनाफा लिया होगा इनसे, 43,000 में दे गए हैं। खूंडा झुट्टा है, नया धन है, कंट्रीमेटर मारा है, कंट्रीमेटर चलाने वाले भी हैं भाइयों। ये गंडे का पिटाया मिल का, कंट्रीमीटर का भी हिला हुआ है, हमारा जो छोटा कड़ा वो आड़ करता, हिलाना पड़ता, ये हिला हिलाया ना, टक्कर मारता भाइयों। आज लिया, व्यापारी लिए जा रहे थे खेते को भाइयों। कैसा लगा आपको ये हमारा पावर वीडर, ये हमारे यहाँ ठाली रहेगा, काम करेगा, बुग्गे में तो कहना चलावा मुझे तो भाइयों, ये कंट्रीब्यूट जितने करेगा, फिर सीजन के बाद 5,000-4,000 के मुनाफे से बिक जाएगा, जितने का न्यार खाओगे उतने का कीमत भी दे जाएगा, मारते वैसे ही पड़ जाएगा ठाली रह गए भाई। आपको कैसा लगा जरूर बताना, वे इंजन भी परेशानी करते हैं, उन्हें रोड ठाव फिर सुधरो पावर वीडर, ये आके यहाँ छावे बन जाया करेगा, ये इसमें दम पड़ जाएगा भाई। भाइयों आज तुम्हारे इधर खेतों में कार आ रही है, पता नहीं क्यों, देखता हूँ चल गए भाइयों। देखिए धूम में कैसी ईख लग रही है भाइयों, देखिए बाजरा कितना बड़ा हो गया, अब इसमें कटाई शुरू कर दी हमने, इधर उधर बो रखा यहाँ तक ट्यूबवेल तक भाई जी, ये धोरा खोट छोड़ दिया था, देखो कितना बढ़िया खड़ा हमारा है भाइयों। कल पानी दिया था तो, अब बीच में ना आपको जीता आपका पूरे खुदवा देंगे सारे घूम, बहुत बढ़िया गन्ना होगा भाइयों। मैं खेत से वापस आ गया हूँ भाइयों, हमारे 6 बीघे में नाज हुआ, ये देख लो जो भी है, सारा 226 कट्टों में, ये मेरी साइकिल है, ये मेरा ताकत है, ये गाड़ी कई दिन से बाहर निकली, धूल जमी पड़ी भाई, देखो कितनी धूल जम रही गाड़ी पे, ये मेसी की छतरी रखी है, ये गैस सिलेंडर है दो, सारे घर में अड़ाव फैला पड़ा, ये मैसी अंशी ने बांध जुड़ा खड़ा कर दिया, उन्हें धोया था सादा मैसी में खड़ा बुग्गी में जुड़ा हुआ। आज पुनीत ने झोटा वो ले लिया, अब देखो कहाँ बंधेगा वो तो कड़ा से भिड़ेगा, सामना खोलो बंधेगा भाइयों। आपको कैसा लगा जरूर बताना, नमस्कार। आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, काफी लोगों को शेयर कीजिए, नमस्कार जी।